जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रीव्यू डॉक्यूमेंट की। क्या हमें कोई प्रिंट वगैरह निकालना होगा तो पहले उसका प्रीव्यू देख लें ताकि प्रिंट गलत ना निकले। तो मेरे पास ये ऑप्शन है यहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। अगर ये ऑप्शन आपके पास यहाँ क्विक बार में ना आ रहा हो तो आप यहाँ से आके इस पर चेक लगा देंगे। ये देखिए, चेक हटा दिया तो गायब हो गया। चेक लगा दें, उस पर क्लिक करें तो अब ये देखिए मेरे पास बता रहा है कि 1 of 3। मेरे पास टोटल इस फाइल में 3 पेज हैं। पहले पेज में ये डेटा है, दूसरे पेज में डेटा ये है और तीसरे पेज में डेटा ये है। इसके बाद 1 कॉपी चाहिए अगर इस पेज की, मुझे 1 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 1 ही है बाई डिफ़ॉल्ट। मज़ीद चाहिए 2, 3, 4, 5 जितनी चाहूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये मेरे पास ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर इसके अंदर लगा हुआ है। आपके पास जो प्रिंटर होगा वो यहाँ पे, उसका ड्राइवर आपको जो अपलोड करा होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो बाकी ये इसकी पूरी सेटिंग है। पेज ऑल प्रिंट ऑल पेज करना चाह रहे हैं या सिर्फ ये पेज ही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आप पेज नंबर में, मिसाल के तौर पर मैं 1 और 2, 3 है, यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ पेज नंबर 2 लूँ तो मैं यहाँ सिर्फ 2 लिखूँगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कस्टम प्रिंट हो गया। 2 करके यहाँ से प्रिंट करूँगा तो पेज नंबर 2 मेरे पास मेरे प्रिंटर में प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट वन साइडेड, प्रिंट बोथ साइड, इसका ताल्लुक प्रिंटर से है। मेरे पास जो प्रिंटर है उस प्रिंटर में रूलर लगा हुआ है तो वो बोथ साइड पे प्रिंट करता है, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ प्रिंट करता है। अगर आपके पास भी ऐसा प्रिंटर है जो जिसमें रूलर लगा हुआ है और वो दोनों तरफ प्रिंट करता है तो आप सेलेक्ट करेंगे प्रिंट वन बोथ साइड। अगर नहीं है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट होता है प्रिंट वन साइडेड। इसके बाद पेज कोलेटेड 1, 2, 3 या 1, 2, 3, इससे आपको ज़ाहिर हो रहा है। यानी जैसे ही 3 सफ़े की फ़ाइल है तो आप चाह रहे हैं पेज 1, 2, 3 इस तरीके से कॉपी हो या पेज 1 जो है वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दूँ 3। तो अब जब ये प्रिंट होगा कि मेरे को चारों इसकी 3 सफ़ात की 3 3 कॉपियाँ आ जाएं तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर मैं इसको कोलेटेड कर दूँगा तो इसका मतलब है कि ये 1, 2, 3 पेज नंबर 1, 2, 3 कॉपी करेगा, फिर दोबारा दूसरा सेट निकालेगा 1, 2, 3 का, फिर दोबारा तीसरा सेट निकालेगा 1, 2, 3 का। और अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ अनकोलेटेड तो ये पहले पेज नंबर 1 की 3 कॉपियाँ निकालेगा, फिर पेज नंबर 2 की 3 कॉपियाँ निकालेगा, फिर पेज नंबर 3 की 3 कॉपियाँ निकालेगा। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसकी प्रिंटिंग में भी सेटिंग होती है। जो पेज आपने फाइल में सेट किया हो वही प्रिंटिंग में आप इसको सेट करेंगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता ही है, फिर भी एहतियातन देख लिया जाए तो बेहतर है। पेज वहाँ पे A4 हमने सेट करा है, यहाँ पे भी इसको A4 सेट कर दें। और नॉर्मल मार्जिन जो वहाँ पे सेट हैं वही सब यहाँ सेट कर दें। पेज 1 पर शीट, अगर हम चाहते हैं कि एक पेज एक शीट पर निकले तो 2 पेज निकलें 2 पेज हो जाएंगे, 4 पेज हो जाएंगे, एक पेज पे 4 पेज छोटे छोटे। एक्चुअल साइज़ जो है वो वही रहेगा, ओरिजिनल साइज़ फाइल के अंदर वही रहेगा, सिर्फ ये प्रिंट के अंदर पेज छोटे से करके साइज़ छोटा करके वो दिखा देगा, प्रिंट दे देगा। अब जब मुझे प्रिंट इसका देना होगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे पास प्रिंटर में प्रिंट दे देगा, मगर मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। जी, मैंने ये कैंसिल कर दिया है।